गोरखपुर सदर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन ने अरविंद केजरीवाल के बयान को गलत बताया। उन्होंने कहा कि देश का हर नागरिक किसी भी प्रदेश में जाकर इलाज करा सकता है और नौकरी कर सकता है, इसके लिए किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। रवि किशन ने आगे कहा कि उनको यह एहसास नहीं है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की वजह से ही आज उनकी सरकार बनी हुई है। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य के लोग देश के किसी भी हिस्से में रहें, उसे भारतीय माना जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यह एहसास नहीं है कि वह किसके बारे में बोल रहे हैं। बीजेपी सांसद ने कहा कि यूपी और बिहार से सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस चुनकर आते हैं, यहीं पर सबसे ज़्यादा राजनेता और समाजसेवी भी रहते हैं, और इसी बिहार और उत्तर प्रदेश की धरती ने देश के सबसे अच्छे नेताओं को जन्म भी दिया जो देश का नेतृत्व करते हैं। सदर सांसद रवि किशन ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का बयान दर्शाता है कि उत्तर भारतीयों के प्रति उनके मन में कितनी नफरत भरी हुई है। यह केजरीवाल की छोटी मानसिकता को दर्शाता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। देखिए क्या है कि एमसीडी के चुनाव में हम प्रचार में थे 20 दिन और उनकी जो बुरी हार हुई, अब उनको पता चल रहा है कि हार उनकी दोबारा से बहुत बुरी तरह होगी और वो उनको दिखाई दे रहा है। इसीलिए कुछ भी, जैसे कहते हैं ना कि आदमी बुद्धिहीन हो जाता है, उसका दिमाग बौचटा जाता है, पगला जाता है, वो खुद इलाज करने अपने खांसी का पूरा देश जान रहा है कि वो बैंगलोर गए थे। अब बिहार या उत्तर प्रदेश का आदमी 500 रुपया लेके आ रहा है, 5 लाख का मुफ्त में इलाज करके जा रहा है, ये सारे शब्दों का प्रयोग करके और मुख्यमंत्री के इतने बड़े आसन पर बैठ के बहुत ही तुच्छ राजनीति, हम इसको कहेंगे ओछी राजनीति, जहाँ पर हमारे प्रदेश के लोगों को या भोजपुरिया समाज को कोई भी इस तरह से मुख्यमंत्री कहे, और वो भी केजरीवाल जैसे लोग जिनको जिताया था बिहार यूपी वालों ने और जिसके वजह से वो मुख्यमंत्री बने थे, उन्हीं को आज ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे इलाज नहीं कर सकते। ये इतना हमको हर्ट हुआ, और इसलिए आप लोग देख रहे हैं कि अखबार में भी हमारी बात आई, और मैं जब हर्ट होता हूँ तभी आके कुछ बोलता हूँ, तो मुझे अपने समाज पर या उत्तर प्रदेश या बिहार पर या मेरे लोगों पर कोई कटाक्ष करता है, जैसे मन से वो वहाँ पे करता था महाराष्ट्र में, राज ठाकरे करते थे, ये वही बोली बोल रहे हैं, और उनका उसका जवाब एमसीडी के चुनाव में भी मिल गया। अब यही भोजपुरिया जनता जो 45% है दिल्ली में, उनको आने वाले चुनाव में ऐसी पटकनी देगी कि इनकी खांसी फिर से शुरू हो जाएगी जो अभी बंद हो गई है, और फिर ये इलाज करने फिर बैंगलोर जाएंगे, और फिर तब उनको पता चलेगा कि बाहरी लोग कैसे आते हैं इलाज करने। हिंदू देखिए, भारत में रहने वाला हर आदमी भारतीय है, ये तो आप कम्युनल कर रहे हैं, तो कम्युनल राइट्स उकसा रहे हैं कि दिल्ली के पंजाबियों और भोजपुरिया लोगों में कि हम लोग बाहर, ये वो समाज है जो पूरे प्रदेश में देश में कहीं भी जाता है, ये समाज भोजपुरिया समाज जो है ये वहाँ पर उस राज्य को शक्ति देता है। ये कर्मठ लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, मेहनती लोग हैं, ये भाजी दूध देने से लेके आईएएस आईपीएस और कलाकार भी बनते हैं, ये बड़े बड़े राजनेता भी बनते हैं, भगवानों की धरती से ये निकलते हैं, ये धरती जहाँ भगवान जन्म लेते हैं, वहाँ के लोगों को आप अगर ऐसा कहते हैं तो केजरीवाल जी आपको बहुत यही भोजपुरिया लोग आप देखिएगा, ये मेरा वादा आपसे कि आप बहुत बुरी तरह हारने वाले हैं।